आईबीपीएस एसओ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा कि इस बार आईबीपीएस एसओ के फॉर्म या रजिस्ट्रेशन भी आईबीपीएस पीओ के साथ स्टार्ट हो गए, लेकिन एग्जाम इसका वही दिसंबर में ही होना है, तो हमारे पास 5 महीने हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छी हमारे लिए एक न्यूज़ है, और हमारे लिए अच्छा ही हुआ है। जो तैयारी हम लोग करना चाह रहे हैं कि एक एस्पिरेंट करना चाह रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि हम क्या होता है, कई बार हम सीरियस तभी हो पाते हैं जब उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और तभी से मोस्टली हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जनरल टेंडेंसी। ठीक है, तो अब इस चीज के लिए अब अभी से आपको फॉर्म फिल कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। आज के हम वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग की, 5 मंथ स्ट्रेटजी आपकी क्या होने चाहिए। इसमें मैं जो आपको बताऊंगा वो बताऊंगा मंथ वाइज, है ना। इसमें मैं आपको मंथ वाइज थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके से आप मंथ वाइज चीजों को कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाए और रीजनिंग को क्लियर कर पाए, रीजनिंग को में आप इतना स्कोर कर पाए कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल अपकमिंग वीडियो। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, ताकि आप और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आए आपको एसओ से रिलेटेड उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो पहली बात बात करते हैं, देखो टॉपिक्स कौन कौन से हैं रीजनिंग के जो कि हमें कवर करने हैं। तो सभी वही जनरल टॉपिक, सबसे पहले मैंने उस वे में उनको रखा है जिस वे में उनका वेटेज है एग्जाम में। तो सबसे ज्यादा वेटेज पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स का है, तो इनको मैंने टॉप पर रखा है। सबसे ज्यादा ध्यान हमारा इन्हीं पर जाएगा, लेकिन किस तरीके से जाएगा वो हम आगे बात करेंगे। पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स हो गए, उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग है ना, जिसमें कि थ्योरी रहता है, स्टेटमेंट अजम्पशंस, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट इन्फेरेंस, इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर या एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, वो सब क्वेश्चंस। उसके अलावा सिलॉजिज्म दो तरह का आता है, तीन तरह का आने लगा है इवन, एक तो नॉर्मल, एक कोडेड और एक हमारा रिवर्स सिलॉजिज्म। जो कोडेड सिलॉजिज्म है वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारे एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इसको भी हम कैटर करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। ठीक है, फिर है कोडिंग डिकोडिंग, दो तरह के हमारे एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, एक तो लॉजिकल और एक हमारी चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चाइनीज कोडिंग कम आ रही है, लॉजिकल कोडिंग ज्यादा हमारे से पूछी जा रही है, उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे यहाँ पर। उसके अलावा मशीन इनपुट, इसमें सिंगल स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है, इवन जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स रहते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उन पे ज्यादा हमें फोकस करना है। ठीक है, चार पांच तरह के मशीन इनपुट होते हैं उनमें, जिनमें स्टेप बाय स्टेप लॉजिक होता है, अलग अलग लॉजिक हर एक स्टेप में होता है, वो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके अलावा बात करें इनइक्वालिटी, दो तरह की होती है, नॉर्मल इनइक्वालिटी और कोडेड इनइक्वालिटी, दोनों ही एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ब्लड रिलेशंस, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड और कोडेड ब्लड रिलेशंस, दोनों ही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा डायरेक्शन सेंस सेम जैसे कि ब्लड रिलेशंस के आते हैं, ऐसे ही डायरेक्शन सेंस के भी स्टेटमेंट बेस्ड और कोडेड दोनों ही फॉर्म में आते हैं, दोनों ही फॉर्म हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइज। उसके अलावा डेटा सफिशियंसी, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मैं कहूंगा कि मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक, जो हम सब लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं इसकी, इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता आपको, यही पजल सेटिंग अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशंस, सिलॉजिज्म, इन तरह के क्वेश्चन से ही इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, और हमें पूरा आंसर भी नहीं निकालना होता, जस्ट वी नीड टू चेक द सफिशियंसी ऑफ डेटा गिवन, इतना चेक करके हमें इस क्वेश्चन को करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसको हम अपने एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हैं, इवन ये हमें 5 मार्क्स का मिलेगा, तो हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पर इसका वेटेज भी है और हमारे एग्जाम क्लियर करने में ये हमारी बहुत हेल्प करने वाला है, तो इस टॉपिक पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा मिसलिनियस टॉपिक जैसे कि सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ लेटर्स निकालने होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन होता है, या फिर हमारे ऑर्डर रैंकिंग के क्वेश्चन होते हैं, या जो छोटी छोटी पजल्स आती है कंपेरिजन पजल्स, वो सब होती हैं, वो सब हमारे मिसलिनियस टॉपिक्स में है, जो कि हमारे 2 से लेके 4 नंबर तक के हमें मिल जाते हैं। ये 5 नंबर का मिलता है, 2 से 3 नंबर का वेटेज जिसका है इसका है, हालांकि इनके क्वेश्चंस जो है तो पूछे जाने लगे, इनइक्वालिटी का भी 2 से 3 मार्क्स का वेटेज लेके चलिए आप। मशीन इनपुट पूछा जाएगा तो 5 मार्क्स का, कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाएगी तो 5 मार्क्स के, सिलॉजिज्म भी 2 से 3 मार्क्स का, एनालिटिकल रीजनिंग 5 से 6 मार्क्स का, और बाकी आपकी पजल सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर पूछी जाने वाली। ठीक है, तो इसमें कोई चीज़ वो कम कर देते हैं, कोई चीज़ ज़्यादा कर देते हैं, पर जो वेटेज है मैं आपको वो बता रहा हूँ, इतने इतने क्वेश्चन इनके आएंगे। अगर ऐसा हो सकता है कि किसी में वो ब्लड रिलेशंस को रखे, डायरेक्शंस को मिस कर दे, या किसी में वो इनइक्वालिटी को मिस कर दे, सिलॉजिज्म को रखे, है ना, इस तरह की चीज़ एग्जामिनर करता है और जाके कहीं पूरा पेपर हमारा बनाता है। पर जो हमारा मोस्ट वेटेज रहेगा वो हमारा रहेगा
पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स का, ये दोनों टॉपिक मिलके हमारा लगभग 50 से 60% पेपर जो है वो कवर करने वाले हैं ये दोनों टॉपिक। तो हमारा मेन जो फोकस रहेगा पूरा तैयारी करने का वो पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स के अराउंड रहेगा। इसमें गाइस देखो एक चीज़ और है, जो भी आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक चीज़ थोड़ी ना स्ट्रैटेजी में चेंज होना चाहिए, जो कि बैंक पीओ या फिर बैंक क्लर्क वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे। आपके जो ये टॉपिक्स हैं क्यूआरई, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये आपको केवल प्रीलिम्स में देखने को मिल रहा है ना। तो मैं अभी रीजनिंग की ही बात करूँगा, अगर क्वांट इंग्लिश की आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी, मैं खाली रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग आपको केवल आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलने वाला है। तो इसका मतलब, और उसके आप कट ऑफ भी देखोगे ना तो बहुत डाउन है, क्योंकि जो एसओ वाले हैं वो स्पेशलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। तो ऑब्वियस है आप लोगों का जो क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश सेक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं जाएगा, रीजनिंग इतना स्ट्रांग आपका नहीं जाएगा, है ना। उस वजह से ही इसकी कट ऑफ बहुत डाउन जा रही है, आपने लास्ट ईयर भी कट ऑफ देखा होगा, उससे लास्ट ईयर भी कट ऑफ देखा होगा, बहुत ही डाउन कट ऑफ जा रही है क्योंकि स्टूडेंट्स इतने इनमें वेल वर्स नहीं है। तो आपको भी क्या करना है, कुछ टॉपिक्स इस तरह के कर लेने हैं कि आपको एक सफिशियंट आपके अटेम्प्ट हो पाए, ठीक है। ज्यादा डीप नहीं जाना है रीजनिंग के अंदर, बहुत ही ज्यादा मतलब चीजों को। आपका जो मेन कॉम्पिटिशन है वो फेज 2 है, ये बात आपको भी पता है, लेकिन इक्वली फेज 1 इसलिए इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्रीलिम्स में ही फेल होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे प्रीलिम्स में ही फेल होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। कई बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाती, कई बार ओवरऑल ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती, कई बार ओवरऑल हो जाती है सेक्शनल नहीं हो पाती है, तो बहुत दुख होता है चीजों में। तो हर एक सब्जेक्ट को बराबर लेके चलना और उतना पढ़ना जो कि हमारे एग्जाम निकलवाने में हमारी हेल्प करे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ज्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ प्रीलिम्स में है और उसमें भी हमें इसमें क्वालिफाई होकर आराम से अपना निकल जाए, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी, एसओ वालों का माइंडसेट इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं देखो मंथ वाइज स्ट्रैटेजी की। तो फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, फर्स्ट मंथ में आपको ये सब टॉपिक्स क्लियर क्लियर कर लेने हैं, है ना, इनके बेसिक्स। आप क्या करेंगे, एक जैसे 7 टॉपिक हैं तो एक टॉपिक के आपके पास ऑन एन एवरेज 4 डेज बैठते हैं, है ना। इस फर्स्ट मंथ में आप पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं करेंगे, केवल सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग एंड कंपैरिजन पजल्स, छोटी छोटी जो पजल्स रहती हैं जिनमें कि वेट हाइट कंपेयर करके 5-4 लोगों का उनका एक अरेंजमेंट बनाते हैं। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो 7 टॉपिक्स हैं और 1 मंथ लें तो 7 × 4 यानी कि 28 डेज, है ना। तो लगभग पूरा मंथ ही हमारा 4 डेज में कवर हो जाता है। तो एक टॉपिक के लिए हमें 4 डेज मिले, इस 4 डेज में आप क्या करेंगे, एक एक दिन बांटेंगे। पहले दिन आप पढ़ेंगे उसके बेसिक्स और प्रैक्टिस करेंगे सम क्वेश्चंस, ठीक है। अगले दिन फिर उसके क्वेश्चंस, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चंस उसके, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस। फिर अगले दिन आप देंगे सेक्शनल टेस्ट या फिर चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट नहीं चैप्टर टेस्ट आप देंगे, उस पर्टिकुलर चैप्टर का टेस्ट आप देंगे, है ना। और लास्ट में उसके आप करेंगे विद टाइम, सॉरी थर्ड डे आप करेंगे विद टाइमर प्रैक्टिस। ये आप जो सेकंड डे करेंगे ये आपकी विदाउट टाइमर होगी, यहाँ पर विदाउट टाइमर, नो टाइमर। थर्ड डे में आप क्या करेंगे, विद टाइमर प्रैक्टिस करेंगे विद टाइमर, है ना। और फोर्थ डे में आप क्या करेंगे, उसका चैप्टर टेस्ट आप देंगे। इस तरीके से आपका जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले दिन क्या करना है, बेसिक्स करना है, बेसिक्स के लिए आप वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए ना, कैसे करना है वो सब चीज़ें आप करिए, सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड डे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और विद नो टाइमर। थर्ड डे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं विद टाइमर, एंड देन नेक्स्ट डे आपको टेस्ट देना है। ये आपका हर एक टॉपिक का यहाँ पर शेड्यूल रहना चाहिए, इसको आप एक लिख लीजिएगा इसको, कि इस दिन पूरे महीने का ना एक चार्ट तैयार होना चाहिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं, और क्वेश्चंस भी रेडी होने चाहिए पहले ही। ऐसा नहीं है पूरा दिन आप क्वेश्चंस ढूंढने में निकाल रहे हो, है ना। डेडिकेटेडली दिन में 1-1.5-2 घंटा आप दोगे तो आपके लिए सफिशियंट रहेगा, क्योंकि आपके पास एम्पल टाइम है अभी पूरी तैयारी करने के लिए, रीजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आपको कर लेने हैं, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग और कंपैरिजन पजल्स, ठीक है। इसमें आप पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये आप कुछ नहीं छू रहे हैं, कोई मॉक टेस्ट नहीं आप दे रहे हैं अभी 1 महीने, है ना। लेकिन जो चैप्टर टेस्ट है वो आप दे रहे हैं। सेकेंड मंथ में हम क्या करने वाले हैं, ये सब टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे। मशीन इनपुट, रेगुलर काइंड ऑफ पजल्स, जिनमें कि हमारा कौन कौन सी पजल्स रहती हैं, बॉक्स बेस्ड, फ्लोर बेस्ड, है ना, और जो हमारी मतलब पुराने ट्रेडिशन से चलती आ रही है पजल्स, नो बेस वाली पजल्स, ठीक है। और भी जो बेसिक टाइप हैं पजल्स के, फ्लोर हो गया, बॉक्स हो गया,
और भी जो हमारे कैटेगरी बेस्ड रहती हैं, डेजिग्नेशन वाली रहती हैं, जो हमारी कॉमन टाइप ऑफ पजल्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। ऐसे ही कॉमन सिटिंग अरेंजमेंट्स की, फ्लोर पे, सॉरी ये हमारा हो गया लीनियर, स्क्वायर, है ना, सर्कल, इस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे बिल्कुल ही बेसिक टाइप के पजल सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये भी वही, आप 5 हैं तो आप पूरे महीने में 6 6 डेज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, इसमें तो कुछ अलग से पढ़ने नहीं, तो थोड़ी सी अप्रोच इसकी सीखना है ना, क्योंकि इसमें आंसर नहीं निकालने होते, केवल डेटा की सफिशिएंसी बतानी होती है, वहां पे थोड़ी सी अप्रोच हमें चेंज करनी पड़ती है, तो उस तरीके से आप अपनी अप्रोच को चेंज करके इसमें क्वेश्चंस करना, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी के लिए आप 6 दिन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया डेटा सफिशिएंसी, तो ये इतना अच्छा टॉपिक हो जाएगा, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको ये आपको पूरे 5 नंबर दे के जाएगा एग्जाम में। और साथ में एनालिटिकल रीजनिंग, इसकी भी आपको साथ साथ यहाँ पर लिख के चलना है। 6 डेज आप पढ़ोगे, आपका ये टॉपिक भी बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेकेंड मंथ में हमें ये करना है, कभी कोई मॉक टेस्ट नहीं, केवल इन्हीं चैप्टर के, वही जो हमने 4 दिन का बनाया है, पहले दिन कॉन्सेप्ट, दूसरे दिन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगले दिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टाइमर के साथ, और अगले दिन टेस्ट, इस तरीके से आप इनको क्लियर करेंगे। थर्ड मंथ का प्लान हमारा क्या रहेगा, अब हम ये सब चीजें हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। लेटेस्ट काइंड ऑफ पजल्स, जिनमें कि फ्लोर विद फ्लैट, मंथ विद डेट, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन विद कोई रिलेशन, ब्लड रिलेशन वगैरह, इस तरह की पजल्स, है ना। ज्यादा हमें डिफिकल्ट लेवल की मत करना, क्योंकि एग्जाम में आपको ज्यादा डिफिकल्ट आएगी तो वो आपको स्किप करनी है। आपको अब बैंक पीओ का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आपको सब कुछ अटेम्प्ट करना है वहां पे, ना ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे तो आपको स्किप करनी है। लेकिन जो लेटेस्ट टाइप अभी जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछी जा रही है, फ्लोर विद फ्लैट, मंथ विद डेट, ईयर विद एज, डेजिग्नेशन, कैटेगरी बेस्ड पजल्स, इस तरह की पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में पूछी जा रही है, उन सब भी जब तरह के पजल्स को आपको प्रैक्टिस करना है। सेकेंडली, लेटेस्ट काइंड ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट्स को आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे कि हमारा ट्रायंगुलर हो गया, हेक्सागोनल हो गया, ऑक्टागोनल हो गया, पैरेलल रो हो गया हमारा, ये जो लेटेस्ट टाइप है सेटिंग अरेंजमेंट्स के, ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हो गया सर्कल में, या फिर लीनियर रो में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत करना कि सर्कल के साथ ब्लड रिलेशन आ रहा है, उसी के प्रैक्टिस में लगे पड़े हो, वो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है, आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो, है ना। तो आपको मतलब स्किपिंग क्या क्या चीजों की करनी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। रेलेवेंट पढ़ोगे एग्जाम के, रेलेवेंट से दिखाओगे, रेलेवेंट चीजें पढ़ोगे, है ना, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, है ना, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये दोनों चीजों की प्रैक्टिस करोगे, और मतलब इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, आप रोज एक क्वेश्चन, इसका भी रोज एक क्वेश्चन, डेली एक, है ना, डेली वन, इसका भी 1 x 30। फिर मॉक टेस्ट आप लगाएंगे 1 वीक में एक, ताकि जो आपने पुराने टॉपिक्स पढ़े हैं ना, वो भी आपको क्लियर होते रहे, ऐसा ना हो कभी इस महीने में तो पुराना पढ़ा है वो सारा भूल जाए, तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाएंगे आप। और साथ में मिसलिनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि मिसलिनियस क्वेश्चंस में हमारे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर रैंकिंग आता है, वर्ड फॉर्मेशन आता है, मानो ये वर्ड दीजिए उन्होंने इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट के पूछा कि सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स से कितने आप मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हो, है ना, इस तरह का वर्ड फॉर्मेशन हो गया। और मिसलिनियस क्वेश्चंस आते हैं, नंबर दे देंगे एक पूरा, उसमें बोलेंगे ऑड डिजिट में 1+ करो, इवन डिजिट में -1 करो, फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करो, ये तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको गाइस अच्छे 2 3 नंबर दे जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना, तो उसकी भी हम सेपरेट प्रैक्टिस यहाँ पर करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा। अब बचा हमारा 4th मंथ, 4th मंथ में आपको मेनली फोकस करना है किस चीज पर, डेली प्रैक्टिस पर। आप हर टाइप के, जितने भी आपने टाइप्स पढ़ लिए, जितने भी आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, उसके दो दो क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो, है ना, आप डेली बेसिस पर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। डेली बेसिस पर उसकी प्रैक्टिस करने से आपको टॉपिक्स क्लियर रहेंगे, आप भूलोगे नहीं, और आपके एक रिदम बन जाएगी उसको सॉल्व करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहिए इस 4th मंथ में। हर एक टॉपिक के एक एक दो दो क्वेश्चन आपको डेली ही प्रैक्टिस करने हैं। 2 सिलॉजिज्म ले लिए, 2 इनइक्वालिटी ले लिया, एक ब्लड रिलेशन ले लिया, एक डायरेक्शन सेंस ले लिया, एक दो दो क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी के ले लिया, एक पजल सीरीज अरेंजमेंट्स ले लिया। रोज आप इसको प्रैक्टिस करोगे, और 35 40 क्वेश्चन के आसपास लेना, जितने कि आपके एग्जाम में पूछ रहे, है ना, उतने क्वेश्चन ले लेना, और बढ़िया है ना, उतने क्वेश्चन लेके आप 1 1.5 घंटा, 1 घंटे में भी आराम से हो जाएंगे वो, है ना। उसके अलावा मॉक टेस्ट आपको इसमें भी 1 वीक की रखना है, ठीक है। तो आपको ये पूरी प्रैक्टिस, ये जो 4th मंथ है हमारा, ये बड़ा क्रूशियल है, ये हमें पूरा का पूरा हमारा प्रैक्टिस करा देगा। 4th मंथ में हमें कंप्लीटली प्रैक्टिस करनी है, और 5th मंथ में हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट।
सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, मतलब अपने को पूरा टेस्टिंग मूड में ले आना है 5th मंथ में। बस हमें आदत हो जानी चाहिए, हमें एग्जाम देना नया नहीं लगना चाहिए, हमें आदत होनी चाहिए एग्जाम्स देने की, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, आप जिस भी तरीके से चाहते हैं, मॉक टेस्ट मतलब चैट टेस्ट देने की आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है ना। 5th मंथ में अगर आप ये करेंगे, आपकी टेस्टिंग नॉलेज, आपको वो फोबिया जो रहता है एग्जाम फोबिया, वो आपको खत्म होगा और सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अच्छा खासा टाइम है 5 महीने का। आप चाहो, जिन्होंने तैयारी शुरू भी नहीं की है वो भी अब से तैयारी करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अच्छा खासा टाइम है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। उस प्लानिंग से चलोगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने तैयारी नहीं भी की है अभी शुरू, वो भी तैयारी शुरू कर सकते हो इसकी। अभी इतना टाइम है हमारे पास, बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। पर कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि काफी टाइम है अभी छोड़ देते हैं, अभी बाद में करेंगे, अभी करेंगे तो भूल जाएंगे, तब तक ये सब एटीट्यूड नहीं होना चाहिए गाइस। कंपटीशन अच्छा खासा है, कम कट ऑफ के बावजूद भी कम बच्चे ही सिलेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे कम कट ऑफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके मार्क्स आ जाएंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा वहां पर, है ना। और हर साल वैकेंसीज आ रही हैं, तो किसी ना किसी साल में तो ले लो। और वैकेंसीज जो है वो डाउन होती जा रही है दिन पर दिन, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए चिंता का विषय है। तो इससे अच्छा है ज्यादा कंपटीशन बढ़े, उससे पहले ही आप अच्छे से तैयारी करके एक अच्छी जॉब आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये तो मेरी साइड से गाइस। इसमें जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, और आपको उसका डाउट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे मिलते रहेंगे और नई नई वीडियोज के साथ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना गाइस, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।